नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड में रोहित शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे उन्होंने उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो रोहित के टेस्ट बल्लेबाज होने पर सवाल उठाते थे। रोहित ने इंग्लैंड में जिस सूझबूझ के साथ शतकीय पारी खेली, उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में भी उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं जितने वह T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट पे हैं। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की दूसरी पारी में 127 रन और इसके लिए उन्होंने 256 गेंदों का सामना किया। रोहित ने ओवल में अपने टेस्ट करियर का ये 8वां शतक लगाया। विदेशी धरती पर उनका ये पहला टेस्ट शतक था। रोहित ने 204 गेंदों में 12 चौके और 1 छक्के की मदद से अपनी सेंचुरी पूरी की। लेकिन जब रोहित का विकेट गिरा तो ना गेंद फेंक रहे गेंदबाज को यकीन हुआ और ना कैच लेने वाले फील्डर को और ना ही रोहित शर्मा को। दरअसल इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने नई गेंद लेने के बाद गेंद तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को थमाई। ओली रॉबिन्सन की गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेला। ओली रॉबिन्सन की गेंद रुक कर आई, लेकिन रोहित ने शॉट खेलने का मूड बना लिया था। वो गेंद को सही तरह से टाइम नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन के पास क्रिस वोक्स ने आसान सा कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। रोहित शर्मा जब आउट हुए तब उनका रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह आउट हो गए हैं। वो भी एक ऐसी गेंद में फंसे हैं जिस पर छक्का लगाया जा सकता था। रोहित का कैच सीमा रेखा के पास क्रिस वोक्स ने पकड़ा, लेकिन क्रिस वोक्स को भी कैच पकड़ने के बाद यकीन नहीं था कि रोहित शर्मा, जो कि इतने शानदार फॉर्म में थे, वो नई गेंद से इस तरीके से आउट हो गए। इसके बाद ओली रॉबिन्सन ने तुरंत ही पुजारा को भी पवेलियन वापस भेज दिया, मतलब एक के बाद एक दोहरी क्षति टीम इंडिया को पहुंचाई। नई गेंद आने के बाद पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट गिरा और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर पुजारा आउट हुए। भारत ने एक ही ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। वहीं मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 270 रन बना लिए हैं। भारत के पास इस समय 171 रनों की लीड है, जबकि विराट कोहली और रविंद्र जडेजा अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने 2 विकेट और जेम्स एंडरसन ने 1 विकेट लिया। भारत फिलहाल मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इस मैच का परिणाम क्या होगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।